हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल, वेलकम टू अनदर वीडियो। सो आज का जो टॉपिक है आप लोगों को हमने लेके पता चल चुका है, बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही वाइटल टॉपिक है, पोलर पैरट के बारे में। बेसिकली इसको पोलर ब्लू पैरट बहुत कोई बोलते हैं, बट ये नॉर्मली पोलर पैरट भी बहुत कोई बोलता है। और ये बहुत जगह पे, स्पेसिफिकली कलकत्ता में बहुत ही ईजिली मिल जाता है, बट बहुत जगह पे रेयर स्पीसीज भी बहुत कोई मानता है। ये बेसिकली एक पैरट का ही स्पीसीज है, बट इसमें बहुत ही अलग अलग फीचर्स या गुण वगैरह होता है जो पैरट पे नहीं रहता है बट इसके अंदर रहता है। इस वीडियो पे मैं कंप्लीट केयर के बारे में बात करूंगा, पोलर पैरट के बारे में डिटेल्स में सब कुछ डिस्कस करूंगा, कितना वाटर टेम्परेचर होना चाहिए, कितना पोलर पैरट आपके साथ फ्रेंडली हो सकता है। इनफैक्ट आप लोग अगर चाहते हो तो मैं ऐसा भी वीडियो लेके आऊंगा जहां पर आप लोग पोलर पैरट को आप लोग फ्लावर हॉर्न की तरह ट्रेन भी कर सकते हैं। ये आप लोग को शायद बहुत कम जन को पता होगा, ब्लड रेड पैरट या फिर पोलर पैरट पे बहुत ही इंपॉर्टेंट एक डिफरेंस है। पोलर पैरट फ्लावर हॉर्न की तरह ग्रूम भी कर सकते हैं। तो अगर ऐसा टाइप का वीडियो चाहते हो तो नीचे ज़रूर मुझे कमेंट करके बताना। तो आज इस वीडियो पे आप लोग को पोलर पैरट के बारे में तो सब कुछ बताऊंगा ही, उसके साथ साथ आप लोग को दो तीन इंपॉर्टेंट ऐसा पॉइंट बताऊंगा जो चीज़ अगर आप लोग जान लोगे तो आप लोग भी इस मछली को बहुत ज़्यादा प्यार करोगे, क्योंकि ये बहुत दिखने में भी क्यूट होता है और ये बहुत ही अच्छा एक पैरट फिश का ब्रीड है। नॉर्मल ब्लड रेड पैरट से बहुत ही अलग है। और एक चीज़ आप लोग को मेंशन करना चाहता हूँ, जो सबसे इम्पॉर्टेंट गलती आप लोग करते हो कि भाई कॉन्विक्ट सिक्लिट और पोलर पैरट के बीच में डिफरेंस, थोड़ा बहुत इस वीडियो पे डिस्कस भी कर दूंगा आप लोग का जो कन्फ्यूशन है। बहुत जन मुझे पूछता है कि भाई मैं जब पोलर पैरट मेरे घर पे लेके आया था तो तब मुझे बहुत कोई पूछ रहा था कि भाई आप कॉन्विक्ट सिक्लिट लेके आ चुके हो, तो बोला भाई नहीं, ये पोलर पैरट है, दोनों दिखने में बहुत सिमिलर है बट बहुत सारा यूनिक डिफरेंस है। अगर आपको थोड़ा वीडियो पे कंप्लीट देख लोगे तो समझ में आ जाएगा एग्जैक्ट डिफरेंस क्या है कॉन्विक्ट सिक्लिट और पोलर पैरट पे। और पोलर पैरट बहुत ही अलग है कॉन्विक्ट सिक्लिट से। और एक चीज मेंशन करना चाहता हूं, पोलर पैरट अगर आप लोग घर पे लेके आ रहे हो तो आप लोग को एक चीज का ऑलवेज ध्यान रखना है, पानी का टेम्परेचर। भाई ये थोड़ा गर्म पानी का मछली है, वार्म वाटर मछली है, कितना टेम्परेचर वगैरह रखना है सब कुछ बताऊंगा। तो वीडियो को ध्यान से देखते रहो, वीडियो को एंजॉय करो, आई थिंक ये वीडियो आप लोग को बहुत पसंद आएगा, क्योंकि ऐसा टाइप का यूनिक वीडियो मैं बहुत ही लेके आता हूं। और आप लोग बहुत मुझे रिक्वेस्ट कर रहे थे कि भाई फ्लावर हॉर्न को छोड़ के दूसरा कैटेगरी का मछली का भी वीडियो लेके आओ, तो भाई आप लोग के लिए मैं वीडियो लेके आज आ चुका हूं। सो ये वीडियो अगर आप लोग देख लोगे तो मैं आप लोग को बोल सकता हूँ, ये छोटा सा क्यूट फिश को आप लोग बहुत ज्यादा प्यार करोगे, क्योंकि ये रियली बहुत ही क्यूट मछली है। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स, अगर आप लोग मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे ऑल जरूर क्लिक करना। और अगर आप लोग को वीडियो पे कुछ भी इंटरेस्टिंग लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। मैं आप लोग को देखा हूँ बहुत कम जन लाइक करते हो वीडियो को। देखो भाई, आप लोग अगर वीडियो को ज़्यादा लाइक करोगे तो ज़्यादा मोटिवेशन आएगा, तो ज़्यादा मोटिवेशन आएगा तो नया नया ऐसा टाइप का वीडियो आप लोग के लिए लेके आऊँगा। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले आप लोग को एक चीज़ बताना चाहता हूँ, आप लोग अगर नॉर्मल ब्लड रेड पैरट कभी भी आप लोग रखे हो तो भाई आप लोग को पोलर पैरट और ब्लड रेड पैरट का एक यूनिक डिफरेंस देखने को मिल जाएगा। पोलर पैरट आप लोग एक साथ बहुत सारा रख सकते हो, यहाँ पर आप लोग वीडियो पे देख पा रहे हो, हालांकि आप लोग ब्लड रेड पैरट भी बहुत सारा एक साथ रख सकते हो, बट ब्लड रेड पैरट कभी कभी बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो जाता है। पोलर पैरट और ब्लड रेड पैरट का जो मेजर डिफरेंस मैं पर्सनली देखा हूँ, पोलर पैरट एग्रेसिव होता है बट ब्लड रेड पैरट की तरह नहीं होता है। ब्लड रेड पैरट का बहुत ही ज्यादा एग्रेशन हो जाता है मैच्योर्ड होने के बाद भी, बट पोलर पैरट एग्रेशन होता है, एग्रेशन रहता है, क्योंकि सिक्लिट कैटेगरी का मछली का एग्रेशन रहता ही है, बट इतना ज्यादा एग्रेसिव नहीं होता है जितना ज्यादा ब्लड रेड पैरट होता है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, पोलर पैरट आप लोग अगर झुंड पे रखोगे तो दिखने में बहुत क्यूट लगता है। अभी आप लोग यहां पर लाइव वीडियो पे देख पा रहे हो कितना अच्छा क्यूट लग रहा है, एक साथ सभी घुल मिलकर रह रहा है। और आप लोग अगर पोलर पैरट रखोगे तो भाई आप लोग को और एक एडवांटेज मिल जाएगा, पोलर पैरट बढ़ता तो है साइज में बट पोलर पैरट का ग्रोथ ब्लड रेड पैरट से कम होता है। तो मैं यहां पर आगे चल के वीडियो पे आप लोग को पोलर पैरट का एडल्ट साइज भी दिखाऊंगा कितना बड़ा हो सकता है, बट बहुत ज्यादा बड़ा नहीं होता है। पोलर पैरट का बहुत ही इंपॉर्टेंट, मेरा पर्सनल एक खासियत मुझे लगता है, पोलर पैरट बहुत ही हार्डी मछली होता है। अगर आप लोग फर्स्ट टाइम एक्वेरियम घर पे लेके आना चाहते हो, आप लोग के एक्वेरियम के बारे में ज़्यादा कुछ पता नहीं है, तो ऐसा कैटेगरी का मछली रख सकते हो जो हार्डी मछली होता है, तो उसमें मछली का डेथ होने का चांसेस बहुत कम हो जाता है। तो पोलर पैरट का जो सबसे खासियत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही हार्डी मछली है भाई। बट आप लोग को एक चीज़ का ध्यान ऑलवेज रखना चाहिए, सिक्लिट कैटेगरी का मछली थोड़ा वार्म
वाटर पसंद करता है, बट पोलर पैरट को और भी ज्यादा वार्म पसंद है। लगभग अगर आप लोग मान के चलो 28 डिग्री सेल्सियस, तो आप लोग पोलर पैरट को 30 डिग्री सेल्सियस तक भी पानी पे रख सकते हो। तो अगर आप लोग 30 डिग्री टेम्परेचर पानी पे रखोगे तो पोलर पैरट ज्यादा हेल्दी रहता है, ये मैं पर्सनली देखा हूं। नहीं तो एवरेज 28 टू 30 डिग्री सेल्सियस अगर टेम्परेचर पानी का मेंटेन करोगे तो ज्यादा कुछ हेडेक वाला मछली नहीं है, आप लोग को ज्यादा कुछ मेंटेनेंस नहीं करना पड़ेगा। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कितना अच्छे तरीके से रह रहा है। आप लोग को कुछ हाइडिंग प्लेस दे देना है, बस आप लोग उसके साथ मछली को इजीली रख सकते हो टैंक के अंदर। और इसके साथ और आप लोग पोलर पैरट के साथ आप लोग अगर ब्लडेड पैरट भी रखना चाहते हो रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बट जो चीज़ आप लोग को मैं पर्सनली रिकमेंड करूंगा, अगर आप लोग पोलर पैरट रख रहे हो तो उसके साथ आप लोग सिवरम वगैरह रख सकते हो। सिवरम वगैरह रखोगे तो मैं दूसरा वीडियो भी लेके आऊंगा, मेरे घर पे है, तो उसके साथ बहुत अच्छे तरीके से घुल मिल जाता है पोलर पैरट। पोलर पैरट का और एक कैटेगरी आता है प्लैटिनम पैरट या फिर व्हाइट पैरट या फिर एल्बिनो पैरट, उसके ऊपर भी अगर आप लोग डेडिकेटेड वीडियो चाहते हो तो नीचे ज़रूर मुझे कमेंट करके बताना, मैं उसके ऊपर भी डेडिकेटेड वीडियो लेके आऊँगा। वो भी बहुत ही क्यूट मछली है, दिखने में भी बहुत क्यूट है, बट वो पोलर पैरट से दिखने में थोड़ा डिफरेंट है। कितना डिफरेंट है मैं वो दूसरा वीडियो पर डिस्कस करूँगा। तो आज इस वीडियो पर मैं आप लोग को जो चीज़ बताना चाहता था वीडियो स्टार्ट होने से पहले, बहुत कोई मुझे पूछता है कि भाई मैं पोलर पैरट तो लेके आ चुका हूँ, बट बहुत कोई मुझे बोलता है कि भाई ये कॉन्विक्ट सिक्लिट है। देखो भाई, कॉन्विक्ट सिक्लिट और पोलर पैरट सबसे इंपॉर्टेंट जो डिफरेंस है, दोनों का बॉडी का शेप टोटली डिफरेंट होता है। अगर आप लोग को थोड़ा बहुत मछली के बारे में पता है, अगर आप लोग थोड़ा बहुत रिसर्च करोगे, गूगल वगैरह पे सर्च करोगे, तो आप लोग ये दोनों कैटेगरी का डिफरेंस बहुत अच्छे तरीके से आप लोग को पता चल जाएगा। मैं थोड़ा बहुत स्क्रीन में आप लोग को पिक्चर शॉट दिखा रहा हूं, आप लोग देख लो दोनों का डिफरेंस। बट कॉन्विक्ट सिक्लिट और पोलर पैरट बहुत ही अलग किस्म का मछली है और अलग फीचर्स होता है। अलग फीचर्स मतलब कॉन्विक्ट सिक्लिट का जो मेजर प्रॉब्लम भी बोल सकते हो, बहुत जन होता है कि कॉन्विक्ट सिक्लिट खरीदता है बहुत फास्ट ब्रीडिंग कर लेता है, बट पोलर पैरट ब्रीडिंग तो करता है बट कॉन्विक्ट सिक्लिट की तरह इतना फास्ट ब्रीडिंग नहीं करता है। तो मेरा फेवरेट फिश अगर मैं बोलूं तो आफ्टर फ्लावर ऑन मुझे तो पोलर पैरट बहुत पसंद है, ऑस्कर पसंद है, बट उसको छोड़कर भी पोलर पैरट मुझे बहुत ज्यादा पसंद। टैंक मेट्स के बारे में ऑलरेडी मैं आप लोग को थोड़ा बहुत बता दिया था, सिवरम रख सकते हो, उसके साथ आप लोग अफ्रीकन सिक्लिट भी रख सकते हो, क्योंकि पोलर पैरट बहुत ही हार्डी मछली है। इसके साथ अगर आप लोग हार्डी मछली रखोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, सॉफ्ट मछली भी रखोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये सबके साथ घुल मिल जाता है। और यही चीज़ मैं आप लोग को बताना चाहता था कि भाई अगर आप लोग ब्लड रेड पैरट रखोगे तो आप लोग एग्रेशन फेस कर सकते हो। आप लोग ज़रूर मुझे नीचे कमेंट करके बताना आप लोग के कितने जन के पास ब्लड रेड पैरट है और आप लोग देखते हो बहुत ज़्यादा फाइट करता है ब्लड रेड पैरट। लाइव आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हो, एक साथ इतना सारा पोलर पैरट है और यहाँ पर कोई भी किसके साथ ज़्यादा फाइट नहीं कर रहा है। अगर कर भी लेता है बहुत कम, क्योंकि सिक्लिट का थोड़ा नेचर रहता है, हाइबिट रहता है एग्रेशन का, बट इतना ज़्यादा फाइट नहीं करता है, ये मैं पर्सनली आप लोग को गारंटीड बोल सकता हूँ। तो अभी आप लोग को जो चीज़ वीडियो स्टार्ट होने से पहले बोल रहा था कि आप लोग अगर पोलर पैरट लेके आने के लिए सोच रहे हो तो भाई आप लोग पोलर पैरट के साथ खुद खेल भी सकते हो, मैं ऑलरेडी करता हूँ। उस टाइप का वीडियो अगर आप लोग चाहते हो तो नीचे ज़रूर मुझे कमेंट करके बताना, क्योंकि आप लोग पोलर पैरट को फ्लावर हॉर्न की तरह ग्रूम कर सकते हो, ट्रेन कर सकते हो, ये बहुत कम जन को पता है। भाई देखो भाई, अगर तुम मछली घर पे लेके आ रहे हो ना, मछली भी डॉग या कैट्स की तरह आप लोग के साथ घुल मिल जाता है। ये आप लोग को उसके लिए आप लोग को थोड़ा उसको एनालाइज करना पड़ेगा, थोड़ा समझना पड़ेगा, ये मैं आप लोग को पर्सनली बोल रहा हूँ। इसके सेपरेट वीडियो अगर आप लोग चाहते हो तो मैं आप लोग को लाइव प्रूफ दे दूंगा, मैं ऐसे हवा में बात नहीं करता हूँ, मैं पर्सनली खेलता हूँ इसलिए मैं आप लोग को बोल रहा हूँ। तो यहाँ पर आप लोग को मैं ओवरऑल सब कुछ चीज़ बताया हूँ, वाटर टेम्परेचर कितना होना चाहिए वगैरह वगैरह। और आप लोग को सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, पोलर पैरट अगर आप लोग टैंक पे रखोगे तो भाई आप लोग को मैंडेटरी टैंक के अंदर हाइडिंग प्लेस देना है। ये मछली बहुत ही शाई टाइप का मछली है, बहुत दिखने में क्यूट है और थोड़ा शाई टाइप का है, तो ये थोड़ा हाइडिंग प्लेस ज़्यादा पसंद करता है। तो यहाँ पर जैसे वीडियो पर दिया रहा हुआ है हाइडिंग प्लेस, आप लोग इस तरीके से भी कर सकते हो या फिर आप लोग के पसंदीदा हाइडिंग प्लेस भी दे सकते हो, बट हाइडिंग प्लेस मैंडेटरी है। और पोलर पैरट के साथ कभी भी आप लोग ज़्यादा बड़ा मछली मत रखना, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ग्रो नहीं होता है। भाई अभी मैं आप लोग को बताया था कि भाई पोलर पैरट का ग्रोथ कितना होता है, वो भी मैं आप लोग को इस वीडियो पे दिखाऊंगा। तो ग्रोथ भी आप लोग को साइज़ वगैरह दिखा देना चाहता हूँ, क्योंकि आप लोग अगर पोलर पैरट के साथ सोच रहे हो अरवाना रखूँ, ज़्यादा बड़ा मछली रखूँ, तो भाई पोलर पैरट को मार भी सकता है, क्योंकि पोलर पैरट ब्लड रेड पैरट की तरह ज़्यादा एग्रेसिव नहीं होता है। भाई अगर आप लोग मेरा पुराना सब्सक्राइबर हो तो पता होगा मैं कॉन्ग के साथ ऑलरेडी दो पोलर पैरट रखा हूँ, बहुत
बहुत ही अच्छा फ्रेंड बन चुका है कॉन्ग का, क्योंकि बहुत ही फ्रेंडली मछली है। मैं जो चीज़ इस मछली के बारे में ज़्यादा पसंद करता हूँ, ये झुंड में रहना पसंद तो करता ही है, उसके साथ साथ बहुत ज़्यादा घुल मिल जाता है दूसरा मछली के साथ, ज़्यादा एग्रेसिवनेस नहीं दिखाता है। इसके लिए मुझे बहुत ज़्यादा पर्सनल फेवरेट है पोलर पैरट। और अभी आप लोग को जो चीज़ मैं बताना चाहता था, बड़ा मछली के साथ गलती से भी मत रखना, क्योंकि बड़ा मछली इसको निगल भी सकता है, खा भी जा सकता है, क्योंकि इसके साइज़ के वजह से। और एक चीज़ यहाँ पर आप लोग को, जो लाइव मैं बोल रहा था कितना बड़ा हो सकता है, आज तक यूट्यूब पे ऐसा वीडियो आप लोग को नहीं मिलेगा जहाँ पर आप लोग को फुल्ली ग्रोन एडल्ट आप लोग को पोलर पैरट का साइज़ दिखाया है। अभी आप लोग को मैं फुल्ली ग्रोन एडल्ट साइज़ कितना बड़ा हो सकता है पोलर पैरट का, वो भी मैं आप लोग को लाइव वीडियो पर दिखा रहा हूँ। सो फ्रेंड्स, अभी यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हो, ये फुल्ली ग्रोन एडल्ट साइज़ है पोलर पैरट का। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो पोलर पैरट के साथ थोड़ा हॉर्न पैरट भी है, बट यहाँ पर जो साइज़ आप लोग देख रहे हो इससे बड़ा साइज़ भाई पोलर पैरट का नहीं होता है। जो मैक्सिमम साइज़ है भाई इतना सा ही होता है, और आप लोग इसको छोटा टैंक पर भी रख सकते हो, बड़ा टैंक पर भी रख सकते हो, तो यही इसका खासियत है इसका साइज़ के वजह से। सो फ्रेंड्स, अभी यहाँ पर आप लोग के दिमाग पे आएगा, तो भाई मैं कितना फीट टैंक के अंदर पोलर पैरट रख सकता हूँ? तो देखो भाई, यहाँ पर जो वीडियो आप लोग देख रहे हो, 2 फीट के टैंक के अंदर मेरा पर जो मछली है 2 फीट के टैंक के अंदर है, बट आप लोग को मैं एडल्ट साइज़ दिखा दिया हूँ, ज़्यादा बड़ा नहीं होता है। फिर भी जितना साइज़ बड़ा होता है, तो आप लोग अगर वो मान के चलो, तो भाई आप लोग अगर 2 फीट के टैंक के अंदर रख रहे हो, तो मैक्सिमम मैं आप लोग को रिकमेंड करूँगा 7 पीसेस रख सकते हो, उससे ज़्यादा भी आप लोग रख सकते हो, बट अगर छोटा है तब रखो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर जैसे मैं यहाँ पर पे दिखा रहा हूं, बट फ्यूचर पे अगर उसको रखना चाहते हो तो साइज थोड़ा तो बढ़ेगा ना। अभी जो साइज देख रहे हो इससे थोड़ा बढ़ता है, बट इतना भी ज्यादा ब्लड रेड पैरट जितना ज्यादा बड़ा हो जाता है उतना बड़ा नहीं होता है, बट साइज में थोड़ा बहुत बड़ा होता है। तो उसके कारण अगर आप लोग 2 फीट के टैंक के अंदर रखना चाहते हो, बेझिझक रखो, बहुत ही हार्डी मछली है, मैं आप लोग को फुल्ली रिकमेंड करूंगा। बट अगर ज्यादा रखना चाहते हो तो एटलीस्ट 2.5 फीट का टैंक के अंदर रखो, आप लोग के फिश बहुत हेल्दी रहेगा, बहुत साल तक जी जाएगा, क्योंकि इसका लाइफ स्पैन बहुत ज़्यादा है। आप लोग मान के चलो 8 to 10 years के आसपास इसका लाइफ स्पैन है, तो 10 साल इजीली जी जाता है पोलर पैरट। ये लाइफ स्पैन मुझे पर्सनली, मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैं देखा हूँ पर्सनली, बहुत ज़्यादा दिन तक ब्लड रेड पैरट से भी ज़्यादा पोलर पैरट जी जाता है। तो यहाँ पर आप लोग को एक चीज़ बताना चाहता हूँ, पोलर पैरट के साथ आप लोग डॉलर फिश भी रख सकते हो और दूसरा मछली भी रख सकते हो जो नॉन एग्रेसिव है, ऑस्कर वगैरह भी रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बट एक चीज़ ध्यान रखना है, जब छोटा रहेगा तब रखो, कोई दिक्कत नहीं है, जब बड़ा हो जाएगा, ऑस्कर का हैबिट है भाई छोटा मछली को खा जाना, तो भाई बड़ा ऑस्कर अगर इसके साथ रखोगे तो पोलर पैरट को खा जाएगा, क्योंकि इसका मुंह छोटा है, खाना भी मतलब बहुत ही कम मतलब खाता है। तो यहाँ पर अगर आप लोग पूछोगे क्या खाना, मैं पर्सनली देता हूँ, मैं 90% जो खाना प्रेफर करता हूँ ड्राई टीवी फ्लेक्स वॉर्म, तो मैं देता ही हूँ ड्राई टीवी फ्लेक्स वॉर्म के साथ थोड़ा बहुत ड्राई श्रिम्प, ड्राई ब्लड वॉर्म देता हूँ। और सबसे इंपॉर्टेंट फूड मैं पोलर पैरेट के लिए जो मैटर करता है, मुझे लगता है पर्सनल चॉइस, वो है ऑप्टिमम का 3-in-1। अगर आप लोग ए फूड खरीद लोगे ऑप्टिमम का 3-in-1, तो भाई आप लोग का पोलर पैरेट बहुत ज़्यादा पसंद करता है ये वाला फूड, मैं पर्सनली देखा हूँ। अभी आता हूँ वाटर क्वालिटी के ऊपर, कौन से वाटर क्वालिटी के अंदर ये मछली रह जाता है। तो देखो भाई, पहले ही बता दिया हूँ हार्डी मछली है, वाटर का टेम्परेचर थोड़ा हाई होना चाहिए बस। और दूसरा चीज़ मैं ऑलवेज सभी मछली फिश कीपर को बताता हूँ कि भाई पानी का TDS ज़रूर चेक करो भाई। ये गलती बहुत जन को मैं देखा हूँ करता है कि भाई पानी पे नमक डालता ही रहता है, पानी चेंज किया नमक डाल दिया, उससे भाई TDS बढ़ जाता है भाई। TDS अगर कोई भी मछली के लिए 300 क्रॉस कर जाता है, बहुत ही हार्मफुल है। पोलर पैरट के लिए आप लोग मान के चलो, आप लोग का पानी का TDS 150 टू 180 मैक्सिमम 200, जो फ्लावर ऑन का TDS है पोलर पैरट का भी एवरेज मान के चलो सेम ही है। तो भाई पानी का TDS जरूर मेंटेन करना, ऑलवेज पानी चेंज करने से बकती भाई आप लोग सॉल्ट कभी भी ऐड मत करना, ये बहुत बड़ा गलती आप लोग कर देते हो, मैं आप लोग को बहुत बार बोला हूं। और पानी पे क्या मेडिसिन डालना है, वो नॉर्मल जैसे फ्लावर ऑन का मेडिसिन है, स्ट्रेसिल, एंटीफंगस, ये सब कुछ ही डाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत ही मैं बोल रहा हूं ना, प्लेफुल जॉयफुल मछली है, इसमें आप लोग को ज्यादा दिक्कत वाला लेने का कोई चिंता वगैरह नहीं है। तो इस वीडियो पे इतना ही था, जितना पॉसिबल हो सकता था मैं आप लोग को कंप्लीट केयर के बारे में बता दिया हूं। इसके बाद भी अगर आप लोग कुछ भी चीज जानना चाहते हो, इंस्टाग्राम पे कॉन्टैक्ट कर सकते हो या फिर नीचे मुझे कमेंट